भारत बनाम पाकिस्तान के महामुकाबले से पहले शुभमन गिल को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। यह अपडेट दिया है युवराज सिंह ने, यानी टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने शुभमन गिल के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें कही है। सारी चीजें आपको इस वीडियो में समझाती हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। दरअसल भारत बनाम पाकिस्तान महामुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला 14 अक्टूबर 2023 होने वाला है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम सज चुका है। इस मैदान पर लगभग 1.5 लाख की जनता बैठ सकती है। आप सभी लोग जानते हैं 1.5 लाख की जनता की पूरी नजर भारत और पाकिस्तान में रहने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं ये वाला मुकाबला ना केवल इंडिया, ना केवल पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया इस मैच का लुत्फ उठाती है। अब इसी कड़ी में शुभमन गिल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, सबके मन में ये सवाल आई एम श्योर बना होगा। हमारे मन में भी ये सवाल है कि शुभमन गिल ने कि प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा की है, बट क्या वो एक्चुअल मैच में खेलेंगे? बिकॉज़ आप जानते हैं कि उनको अभी थोड़े टाइम पहले रिपोर्ट्स आई थी, डेंगू हो गया था, फीवर उनको था, और आपको ये अच्छे से पता है कि भैया डेंगू एक बार इंसान को हो जाए उसके बाद आप एकदम से उनको मैच नहीं खिला सकते हो, थोड़ा सा टाइम आपको रिकवरी में देना होगा। लेकिन बाय द गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा है कि शुभमन गिल नेट्स में प्रैक्टिस उन्होंने करनी शुरू कर दी है। अब इसी कड़ी में युवराज सिंह ने शुभमन गिल के बारे में कहा है कि देखिए, मैंने शुभमन गिल को बहुत अच्छे से तैयार किया है, मेरे अंडर शुभमन गिल ने ट्रेनिंग ली है, और मैंने शुभमन गिल को यही कहा कि भैया मैंने तो डेंगू के टाइम पे मैच खेला है, मैंने कैंसर के दौरान वर्ल्ड कप खेल के वर्ल्ड कप जीता है, तो आप एटलीस्ट इस मैच में इतना योगदान तो दे सकते हैं, भारत बनाम पाकिस्तान के मैच से पहले एटलीस्ट खेल तो सकते हैं, एटलीस्ट अपना जज्बा तो दिखा सकते हैं। यह कुछ युवराज सिंह ने कहा है। अब आई थिंक युवराज सिंह की ये जो सलाह है और ये जो नसीहत है जो इन्होंने शुभमन गिल को दी है, वो शुभमन गिल के काम आने वाली है, और शुभमन गिल इस मैच में धमाल करने वाले हैं। अब दिक्कत यहां पर यह आ जाएगी कि ईशान किशन कहां पे जाएंगे अगर शुभमन गिल वापसी करेंगे। बहुत सारे सवाल है, सभी सवालों के जवाब आप सभी को पता है कहां मिलने वाले, 14 अक्टूबर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आपको मिल जाएंगे। फिलहाल आप अपनी राय बताइए इस पूरी चीज में, और आपको क्या लग रहा है कि गिल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? अगर खेलते हैं ईशान किशन कहां जाएंगे, KL राहुल कहां जाएंगे? बहुत सारी चीजें कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए।